ऑपरेशन हो रहे हैं तो इस समय मैं खरड़ के वार्ड नंबर 10 और 11 के खड़ा जिथे कि सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। अगर खरड़ की गल करिए 27 वार्डा के उत्ते चोण हो रही है, 99 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस समय मैं थोड़ा 10 और 11 नंबर के लिए जो पोलिंग बूथ बनाया गया वो मैं थोड़ा दिखा दिना। इत्थे पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं अते लगातार ये कोशिश की जा रही कि शांति दे नाल वोटिंग करवाई जा सके, क्योंकि कई जगह पर झड़प दियां खबरां भी आईयां ने। लेकिन इत्थे जड़े लगातार तुसीं देखो तस्वीरां लोग वोटिंग लई आ रहे हैं, सवेरे 8 बजे तो लगातार वोटिंग चल रही है, कैंडीडेट भी लगातार पहुँच रहे हैं। साडे नाल इत्थे कैंडीडेट ने वार्ड नंबर 10 तों की नाम है जी तुहाडा? जी मेरा नाम हरिंदरपाल सिंह जौली है। जी इत्थे आए हो तुसीं, लगातार वोटिंग भी चल रही है, किवें लग रहा सुरक्षा प्रबंध, किसी तरह का खदशा तो नहीं? आजाद उम्मीदवार नहीं, आजाद उम्मीदवार हाँ, बहुत वधिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं चल रही। बकायदा सारे का आई डी चैक होकर जा रहा, तुसीं देख सकते हो, कोई ऐसी गल नहीं हैगी, बहुत वधिया चल रहा सब कुछ। चीज़ यानी कि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हैगी? कई जगह पर रौला भी पाया जा रहा कि धक्केशाही कर रही है कांग्रेस। बस थोड़ा असं रिक्वेस्ट करते हैं कि उधर थोड़े परली साइड के वार्ड नंबर 10 के वो कैंडीडेट अंदर जाके खड़े हुए हैं, असं उन्होंने 2-4 बार रिक्वेस्ट की है क्योंकि असं झगड़ा नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा भी थोड़ा बाहर आ जाओ, लेकिन वो फिर भी अंदर कमरे ही बड़े हुए हैं, तो जोड़ा कि गलत है। इधर तो ठीक चल रहा, इधर तो सारे अपना वो चीज़ करके। तो जी उम्मीद कि लगती हैं वोट पा वोट अपना हम मैं पानी है जे, पर उम्मीद वाहगुरु कृपा करेगा सब वधिया, बहुत वधिया मेरे चेहरे से तुम दिख रहे। पूरा जिहड़ा मामला पूरा फसया होया क्योंकि लगातार कैंडीडेटां दी गिनती बहुत ज़्यादा हैगी आ, बहुत ज़्यादा कैंडीडेट ऐसे हैगे ने जिहड़े रेस दे विच ने, ते एक तरीके नाल इह वी कहा जा रहा कि मामला बड़ा फसया होया। नहीं जी, कोई फसया नहीं होया, लोगों का प्यार देख के जनून देख के अपने आप ही पता लग जाता, कोई मामला ऐसा कोई फसया नहीं होया, बहुत वधिया चल रहा और बहुत वधिया चलेगा अगे। धन्यवाद जी। असीं सिक्योरिटी प्रबंधां दी गल भी करांगे, कोशिश करांगे कि जानण दी। साडे नाल इत्थे हरजिंदर सिंह जी ने। हरजिंदर सिंह जी, सुरक्षा प्रबंधन लैके की इंतजाम किए गए ने, किन्ने क जिहड़े लोग आ रहे ने, लगता कि शांतमय तरीके दे नाल ये वोटिंग हो जाएगी प्रक्रिया पूरी? बिल्कुल जी बिल्कुल, अरेजमेंट बहुत वधिया किए गए हैं, वोट नंबर 10 और 11 में आ गए जी। काफ़ी सवेरे मॉर्निंग स्लो सी, हुण ठीक है, काफ़ी वोटर उत्साह आ, तो साडे वल्लों काफ़ी सिक्योरिटी अरेजमेंट किए गए जी, बहुत वधिया, तो कोई किसी का बिलनगर किसी चल रहा काम ठीक ठाक चल रहा। पर कुछ ये भी चीज़ देखने को आई थी कि लोगों को मोबाइल नहीं अंदर ले जाने दिए जा रहे, तो वो कि नॉर्म्स के विच है कि मोबाइल अंदर नहीं ले जाने की कोई खराबी हो रही है नॉर्म्स में? मे भी जरूर जरूर जी जरूर, मोबाइल इस करके नहीं जा रहे जी अंदर, आन के वो कुछ मूवी वगैरह बनाते उन्होंने दसते करके, इस करके अलाउड नहीं है। शरारती अंसर किसी तरीके से कोई देखने आए 10-11 वार्ड के? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शांतमय चल रहा जी काम, बिल्कुल एन पीसफुल चल रहा। कुछ जिहड़े उम्मीदवार वो कहिंदे ने कि अंदर कैंडीडेट जा रहे ने, इस तरीके की कोई गलबात है? नहीं जी नहीं, इस तरह की 10 और 11 में कोई गलबात नहीं, मेरे नोटिस नहीं आई तो ना आऊगी भी, बड़ा वधिया चल रहा जी काम। तो मैं एक बार अंदर की तस्वीर भी थोड़ा दिखा देना, तस्वीर देखो अंदर तुसी, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, तो लाइना के लगा के जेडे वोटिंग की प्रक्रिया पूरा करवाया जा रहा लगातार। ये जी देखो तुसी तस्वीर, अंदर वोटिंग चल रही है, तो बाहर लाइना लगा के पूरे जो प्रक्रिया हैगी आ उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंगली जी ये वोटिंग करवाई जा रही है। तो ये तस्वीर हैगी खरड़ के वार्ड नंबर 10-11 की, तो इत्थे जिहड़े कुछ इल्ज़ाम भी लगे कि उम्मीदवार जिहड़े अंदर पहुँचते हैं, लेकिन इस तरीके की जिहड़ी खबर तो इनकार किया पुलिस ने, वो कहिंदे ने कि पूरे नॉर्म्स का पूरे जिहड़े रूल्स हैगे ने उन्हां दा ख्याल रखा जाता। तो एक कैंडीडेट अंदर भी ने, मैं इन्होंने गलबात, की नाम है थोड़ा? कांता सिंगला है। कैंडीडेट? हाँ जी कैंडीडेट है, 11 नंबर वार्ड तो बीजेपी किया जा रहा, कहते कि अंदर नहीं आने देना चाहिए कैंडीडेट जो अंदर ना आने, बाहर कुछ उम्मीदवार है वो भी कह रहे कि अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी कैंडीडेट? नहीं इस तरह का तो सू किसी अस गेड़ा क्ड के चले जाते बाहर गेट तो बाहर, प्रभावित करने की कोशिश नहीं हो रही? नहीं इस तरह का कुछ नहीं होगा, बहुत रीसेंटली जरा 11 नंबर वार्ड है चल रहा है, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, तो कोई भी बंदे की शोर करने वाली कोई 10 नंबर वार्ड है 11 नंबर वार्ड 11 नंबर वार्ड 11 नंबर 11 नंबर वार्ड जी। मैं कहते हैं कि अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी कैंडीडेट को, इस तरह का सू कोई डिस्टिंक्शन, गेड़ा कट के कहते अपना बूथ चैक करके तुम जा सकते हो पता करके, तो असं अपने बूथ चैक किया, तो हूँ चैक करके मैं बाहर जा रही हूँ। धन्यवाद।
ये देखो तस्वीर जिस तरीके के जोड़े इल्जाम लगे सन जे बहर उम्मीदवार से जोड़े आजाद उम्मीदवार से उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि अंदर जोड़े कैंडीडेट है ने, वो जाते हैं तो ये वेखन भी आ गया हूँ एकदम सामने भी आ गया कि इस तरीके भी इतने चीज़ा हो रही ने। तो ये तस्वीर देखो तुम ये स्कूल हैगा सरकारी स्कूल हैगा जिथे वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। हाले तक किसी भी तरह की अणसुखावी घटना की खबर नहीं आई लेकिन लगातार शांतमई तरीके दे नाल ये जरूर किया जा रहा है कि वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। कैमरामैन दीपक दिनार रविंद्र सिंह दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94 46 84374 94 648। बाबा सुल्तान बंगाली इक्की बार गोल्ड मेडलिस्ट सारिया थावां तो निराश थे मायूस होने वाली एक बार फोन जरूर करो जिवें चाहोगे ओवें होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माही रे टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल। 101% गारंटी अस्टाम पेपर ते लिख के सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी जानबन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ से नु मनाना। फोन 95603 92450 95603 92451। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए हमें डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।